डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 लेक्चर 6 व्हिच इज बेस्ड ऑन यूनिट 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 एंड abcd वैल्यू दी है 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4a स्क्वायर b स्क्वायर 25c स्क्वायर d स्क्वायर। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, आप इनका स्क्वायर लेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड 2ab प्लस 5cd का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये देखिए आपके पास ये पूरी वैल्यू a इज इक्वल टू 2ab आ जाएगा और b इज इक्वल टू 5cd आ जाएगा। अब जब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे अप्लाई करें 2ab का स्क्वायर प्लस 5cd का प्लस 2ab 5cd प्लस 5cd का स्क्वायर, क्या खुला हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5 टू जो 10 टेन जो 20 a b c d, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे आ रहा है 20 abcd और abcd की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है, उसने गिवन क्या किया 1, abcd की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं 1 पुट कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे पुट करूं 4a² b² क्या आ रहा है हमारे पास प्लस 20 abcd की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस क्या आ जाएगा 25 c² d² आ जाएगा और इक्वल टू 25 आएगा। अब क्या हो जाएगा 4a² b² प्लस 20 होता है प्लस 25 c² d² आ जाएगा इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, 20 यहां पे प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, 4a² b² प्लस 25 c² d² इक्वल टू 25 माइनस 20, तो 4a² b² प्लस 25 c² d² इक्वल टू 5, ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके पास, 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 है, मैंने बोथ साइड स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद मैंने जब फार्मूला ओपन किया a² b² 2ab का फार्मूला ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, a² b² होल स्क्वायर था इसलिए सब पे स्क्वायर आ जाएगा, 5 टू 10 10 टू 20 abcd, ये इसको तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है 5 टू 10 10 टू 20, abcd एक साथ लिखा जाएगा। एबीसीडी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, एबीसीडी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया एबीसीडी की जगह 1 पुट कर दिया, 21 से 20 और वहां पे 25 से माइनस होगा 5, 4a² b² और 25 c² d² की वैल्यू क्या हमारे पास आई 5, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ गया। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक्सरसाइज 9 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ दो एक जैसे सेम वैल्यू दी हुई है 503 × 503। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो हमारे पास क्या है उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करने हैं, अगर फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व करते हैं वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको फार्मूले के जरिए सॉल्व करता हूं, ये 503 का स्क्वायर बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर एड होती है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, 503 का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखूं तो 500 + 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, a² + 2ab + b² देखें आप a² और b² a की वैल्यू 500 और b की वैल्यू 3, 503 था 500 + 3 करके मैंने a प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूं 500 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का a और b 503 आ जाएगा प्लस
थ्री का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 500 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25,000 आ जाएगा हमारे पास, 250,000 आ जाएगा, सॉरी प्लस 33,000 आएगा यहाँ पे जी, 3,000 आ गया यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई किया और 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करें 250,000 को, किससे करें ऐड, इनको ऐड करें 3,000 को और 9 को, ये आ जाएगा हमारे पास 253,009, इनको ऐड करें सारी वैल्यूज को ऐड करके चेक कर लीजिएगा कि हमारे पास 253,009 आंसर आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास है 1005 एंड मल्टीप्लाई बाय 1005, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहला पार्ट किया वैसे ही हम करेंगे इसको, 1005 का स्क्वायर और इसको क्या करेंगे 1000 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1000 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। उसी तरह फॉर्मूला ओपन करेंगे कैसे, 1000 का स्क्वायर प्लस 2005 प्लस 5 का स्क्वायर, रिपीट करता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास यही लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, 1000 का स्क्वायर 1,000,000, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, 25,000 कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा हमारे पास प्लस 25, इनको ऐड कर दें 10,000 और 25, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10,000 और 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हमारे पास है 904 मल्टीप्लाई बाय 904, अभी हमने सेकंड पार्ट किया था 1005 प्लस मल्टीप्लाई 1005, बिल्कुल इसी तरह 904 उसकी जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, तो 904 का ये स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे इसको हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो 900 प्लस 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आएगी 900 और बी की वैल्यू आ गई 4, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये देखें इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर 900 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 900 4 ab की वैल्यू पुट की प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 900 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 810,000 और प्लस 9 4 36 7200 प्लस 16, तो इनको ऐड करेंगे तीनों वैल्यूज को तो हमारे पास आ जाएगा 8,17,216, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 8,17,216 जी। तो स्टूडेंट लेक्चर 6 का आपका जो होम टास्क होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपने कंप्लीट क्या करना है, नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है।